वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ना देखो मेरा ये मनहूस सा हाल, क्योंकि वीडियो के बाद फिर मैं फ्रेश होऊंगा और अपने आप को चिकना सुंदर गोरा बनाऊंगा और फिर काम के लिए जाऊंगा। स्टार्ट हुए हैं और कल उसका पहला मैच था इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर कलंदर के बीच। और शादाब ने क्या परफॉर्मेंस दिया यार, मतलब इस्लामाबाद को जो मैच जितवाया ना वो शादाब खान ने जितवाया है। हम सोच रहे थे कि यार इस दफा भी मतलब विदेशी प्लेयर आएंगे, गोरे आएंगे, वो चौके चक्के मारेंगे और बॉलिंग अच्छी करेंगे, हमारे खरामखोर खिलाड़ी जो है ना ये सिर्फ देखते रहेंगे। लेकिन नहीं, इस दफा जान डाली है गेम में शादाब खान ने, क्योंकि शादाब खान ने जिस तरह मैच चेस किया है ना, अनबिलीवेबल यार। वो तो बॉलर कम और बैट्समैन ज्यादा लगता है, इतना मतलब इतना अच्छा, इतना कुल के वो खेल रहा था। और लाहौर में एक तो शाहीन मनहूस है और ऊपर से उसके साथ वो हारिस रऊफ मनहूस। भारत में वर्ल्ड कप हो रहा था ना, तो हारिस रऊफ पे भारतीयों का वो काला मनहूस साया पड़ा हुआ है और वो साया अभी भी है। हम उसको दरगाह ले गए, हम उसको बाबा के पास ले गए, तावीज दिया, दम शुभ किया, लेकिन उससे आप लोगों का वो मनहूस साया उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं कल देख रहा था, मैं सोच रहा था कि यार इस दफा जो है ना पीएसएल में हारिस रऊफ जान लड़ाएगा और ऐसी बॉलिंग करेगा कि 50-60 विकेट ले गए एक मैच में। लेकिन वो खराब हो और उन पर वही आप लोगों का मनहूस साया है और इतने खराब बॉलिंग की और इतनी मार पड़ी इस गधे को कि मैं क्या बताऊं। लेकिन मेरे मन में हैप्पी हो रहा था कि इस गधे को जब मार पड़ेगी ना तो इसको आने वाले टीम में फिर वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो इससे मैं बहुत हैप्पी हूँ। और रही शादाब खान की बात, तो शादाब खान ने यार बस फर्स्ट क्लास मैच खेले यार। ऐसा गेम उन्होंने खेला है ना, ऐसा मैच उन्होंने खेला है ना कि मैं तुम लोगों को बताऊं तो क्या बताऊं। तुम खरामखोरों ने तो देखा होगा। सोचने की बात यह है कि ये खरामखोर खिलाड़ी जब आपस में पीएसएल में या ऐसे ऐसे इवेंट्स में एक दूसरे के सामने होते हैं ना, तो यार फिर तो सारे क्रिस गेल, वी डी विलियर और कोहली बन जाते हैं, मतलब इतनी अच्छी बैटिंग करवाते हैं। लेकिन जब फिर कोई बाहर से कोई टीम आता है, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया या मतलब जितने भी टीम आते हैं ना, इवन के जिम्बाब्वे, केनिया भी आते हैं ना, तो फिर उन टीमों के सामने हमारे ये खिलाड़ी इतनी टट्टी कर देते हैं ना कि फिर सारा माहौल, सारा पिज्जा खराब हो जाता है, मतलब इतनी बदबू फैलाते हैं फिर ये खराब हो। लेकिन जब आपस में ये गेम खेलते हैं, पीएसएल में खेलते हैं या कोई और इवेंट में एक दूसरे के सामने होते हैं ना, तो फिर एक दूसरे की जान लेते हैं, कोई बॉलिंग से तो कोई बैटिंग से। लेकिन कल इस्लामाबाद को फर्स्ट पता मिली है, कल इस्लामाबाद ने पहला मैच विन किया है, तो मुझे लग रहा है कि 2024 पीएसएल का फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड का होगा, क्योंकि वो जिस तरह मतलब शादाब खान ने अपने टीम को लेकर चले थे और उनके पास जो मतलब बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग लाइन भी उनके पास अच्छी है, तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा वो फाइनल जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की होगी। और रही लाहौर कलंदर की, तो लाहौर कलंदर में जब तक ये दो मनहूस, ये इन पे जो ये भारतीयों के काले मनहूस साए हैं ना, तो ये मैच विन नहीं करेंगे। तो मैं तो खैर इसमें कोई भी टीम सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर्स में है नहीं, तो मैं एक टीम को भी सपोर्ट नहीं कर रहा, ना पिशावर जलमी को, ना लाहौर को, ना कराची को, ना क्वेटा को, ना किसी और को, ना किसी और को। मैं सिर्फ मियाँ हलीफा को सपोर्ट करता हूँ और मैं जोनी सिंस ह्यूमन राइट्स चेयरमैन उनको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर उनकी मुई देखता हूँ और उनकी मुई देखने के बाद मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता है। और फिर कोई होता नहीं है कि मैं उस पर ट्राई करूँ, लेकिन जब चार पाँव वाली गद्दी मैं देखता हूं ना, तो फिर उस पर मैं चढ़ जाता हूं, क्योंकि मुझे अपना शौक जो है ना पूरा करना होता है। लेकिन खैर वो तो मतलब मेरे लिए आइडियल है, जोनी सिंस और मियां हलीफा और डाइनी और सनी लियोनी जो भारत में रहती है, तुम लोगों ने उसको अपना आइडियल माना है, तो वो मेरे लिए आइडियल है और मैं उनसे कोशिश करता हूँ कि उनसे कुछ सीखूँ। क्रिकेट में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं, क्रिकेट से उस टाइम मेरा विश्वास उठ गया, उस टाइम मेरा मतलब वो शौक उठ गया जब भारत में हमारी टीम ने बहुत बुरा परफॉर्मेंस दिया था, तब से मैंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, अलविदा कह दिया कि आज के बाद मैं इन मनहूसों का क्रिकेट नहीं देखूंगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में 8 तारीख को इलेक्शन हुए हैं और अभी दूसरा 8 तारीख भी आएगा, लेकिन अभी तक किसी पार्टी को मालूम नहीं हुआ कि किस पार्टी का चेयरमैन या किस पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री बनेगा, मतलब इतनी मनहूस इलेक्शन हुआ था। और कल रात तो एक साहब ने कहा कि मुझे प्लाने ने कहा था कि धांधली करो, जो 70-80 हज़ार लीड पर थे उनको हमने शिकस्त दी और जिन्होंने 200-300 वोट लिए थे
और उनको हमने विनर करवाया है। तो मतलब ये पाकिस्तान की दुगनी पॉलिसी है और पाकिस्तान में तो ये चीज़ें होती रहती है। बस हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे देश को सलामत रखे और इन जैसे गदों से, मनहूसों से, नालायकों से पाक कर दे, ताकि हम शांति से रहे और हमारी आंखें, हमारी सर बाहर से ऐसा ऊंचा रहे हर देश में। लेकिन इन हरामखोरों ने तो हमारे सरों को भी नीचा कर दिया और हमारी गांडों को भी। खैर वो तो वैसे भी नीचे होते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम। बाय द वे, तुम हरामखोर अगर PSL देख रहे हो ना, तो अपना कमेंट्स में बता दो कि तुम पाकिस्तान के PSL में कौन से टीम को सपोर्ट करते हो। अगर कोई टीम सपोर्ट नहीं करते तो किस प्लेयर को सपोर्ट करते हो, तुम्हारा फेवरेट प्लेयर इन PSL में कौन सा है, तो कमेंट्स में वो बता दो। अगर तुम लोग ये कमेंट्स में मुझे बताओगे ना कि मेरा फेवरेट प्लेयर ये है, तो फिर मैं तुम लोगों को गंजा धन्यवाद दूंगा और उस मुंह से दूंगा कि जिस मुंह पर तुम्हारे दांत नहीं है, सिर्फ होंठे हैं, इसमें दूंगा। तो जहां भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और शांति से रहो, और दूसरों को भी शांति से जीने दो, और हो सके तो अपने पड़ोसियों को, तो हो सके तो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो, ख्याल रखो। अब ऐसा नहीं है कि तुम अपने पड़ोस की आंटियों या बच्चियों पे नजर रखो या ख्याल रखो, नहीं, उनका ख्याल ना रखो। मतलब अगर वो कोई गरीब है तो उनके साथ हेल्प किया करो। हराम खोरो, लव यू पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद।